हाँ तो अरे कैसे हैं आप लोग? मुझे यकीन होगा ठीक हो। तो आज मैं रोस्ट करने जा रहा हूँ एक ऐसे इंसान को जो सबके साथ होता है, जो हर किसी को मतलब ऐसे तंग करता है, और वो आपकी माँ का भांजा होता है, मीन जो कजन। वो कजन मुझे भी तंग। जी हाँ दोस्तों, हम सब सड़े पड़े हैं इन सब कजन्स से। नहीं लड़कियां नहीं, यही एक कजन है जो मुझे तंग करता है और बाकी सारे शरीफ हैं, पूरे पूरे शरीफ। ऐसे बस उनके बारे में वो लफ्ज बुरा निकाल नहीं सकते हम लोग। सिर्फ यही एक शख्स है जिसके बारे में मैं बुरा कुछ कह सकता हूँ, कुर्ता पहनू ऐसे जो कुछ मैं कहूँ निकालना चाहूँ इस शख्स पे मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि इस शख्स पे मुझे जितना गुस्सा आया है ना जिंदगी में, इतना गुस्सा किसी पे नहीं आया ना उसका। अगर तुम लोगों को बताऊंगा, तुम लोग तो जाके उनको जूतियां ठोकोगे, इसीलिए नाम नहीं बताता, लेकिन कमेंट्स में जाके कैस करना। नाम शुरुआत स्टार्ट होता है ऐसे, और आगे तुम लोग खुद सोच लो। और अगर समझदार होगे और एस नाम से स्टार्ट होने वाला नाम और तुम्हारा कजन अगर तुम्हें तंग कर रहा होगा तो तुम कमेंट जरूर करोगे और उसका नाम जरूर बताओगे। ओके गाइस, तो मैं हरकत बताता हूँ इस बंदे की। ये क्या करता है, इससे अगर कोई भी बात कर रहा हो, अभी भी मेरे घर आया हुआ, इसीलिए मैं बाथरूम में चुपचाप भागने आया हूँ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि फड़ास निकाल सकूँ। तो क्या करता है ये हम पे बातें करता है। ये वो हमारे ही घर वालों को हमारे ही खिलाफ भड़काता है और हमारे घर वाले भी भड़क जाते हैं। भाई जो क्या मतलब है इस बात का, हालांकि ये मेरा मामू है, कजन भी नहीं है, मामू है, लेकिन समझता है इसे मैं कजन हूं क्योंकि ये मेरी हाइट जैसा है। बिल्कुल सही। तो आज आया हुआ था हमारे घर, आया हुआ है, आवाज सुनाई दे रही होगी, बैचूत की कुत्ते वाली आवाज है तो हर किसी को सुनाई देती है। दाने पोता है साला, क्या करता है अभी आपने इसकी वो वाली वो जो होती है रेड और व्हाइट लंबी लाइन वाली पैंट ईद के कपड़ों के लिए, आपने उसकी वो वाली पैंट क्यों ले ली? अभी तेरी बाप की मर्जी है, जो सी हमें पसंद आएगी हम वही लेंगे ना, तेरी पसंद क्यों? वो अपनी हमसे पूछिए लेके आया था है। ठीक है, बात तो सही है, हम इसे पूछ के हम इसे कहते हैं अभी ये वाली ना लेती, ये वाली लेती है, हमने कहा था इससे? नहीं कहा था। और ये हमें क्यों कह रहा है भाई चोद ये वाली ना ये वाली लेती? और शर्ट पे मुझे भैंसू इस वाले की ज्यादा शर्ट पसंद आई है हमें जलाने के लिए। भाई मेरी तुझे ना ही ना भोंकना, बस इस वाले की गंदी है, इसमें रेड ड्रॉप्स है, मेरी पैंट में स्कूल वाली पैंट ऐसे ही है, स्कूल वाली पैंट आप है ना, मैं तो बताता हूँ स्कूल वाली पैंट कैसे होती है। ऐसे ऐसे तंग करता है, रोस्टिंग माई कजन फकिंग सॉरी करता है। ओके गाइस, तो ये बहुत बड़ा वो है, जब हमें इसकी कोई चीज लगानी हो, जैसे कि नात हो गई है, बहुत बड़ा नाते गाने वाला है, और हम इसके लिए जब नाते लगाए तो लेट आओ मिल नात लगाओ है, मैं कहूँ यार लड़कियों वाली आवाज क्यों निकल आई तेरी, कहते मैं ऐसे ही हूँ लड़कों वाली आवाज निकल के मैं ऐसे ही हूँ। अच्छा ठीक है, तू ऐसे ही है, फिर जब हम इसकी नत लगाते हैं, वॉशरूम में बैठा हूँ नहीं बोल सकता, ठीक है, जब हम इसकी नत लगाते हैं ठोकता देखा करो इसे, नात कहते कहते शुरू हो जाता है, नात चलते चलते ये भी शुरू हो जाता है गाने। ये क्या बात है यार, हमें सुनाता रहता है, तुम भी गाने ना गाओ, इसके बाप की मर्जी है, हमें गाने नहीं गाने देगा, क्यों नहीं गाने देगा? हर किसी का कजन, एक ना एक कजन जरूर होता है जो उसे तंग करता है, और मैं भी उसे सड़ा पड़ा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कहता, इसकी माँ भी इसके साथ रल जाती है, मैं क्या कर सकता हूँ? आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए, मेरे बहन भाई हैं तो बताइए जरूर, और वो जो लाइक वाला बटन उसे ठोक दीजिए, जो कजन ने आपको जितनी भी गालियां जितना भी जलाया है ना सारी भड़ास उस लाइक और सब्सक्राइब वाले बटन पे निकालो, मुझे नहीं पता क्लिक हो जाना चाहिए, मैं भी उसके पास जा रहा हूँ बैंचो को बताने कि उसका पाला किससे पड़ा है, और अगर आपका भी पड़ा है तो कमेंट्स में जरूर बताना गाइस।